तुमसे मिलने आए हैं, तुम्हें देखने के लिए। चार महीने होने वाले कम से कम बांधे हुए। ऐसे क्यों बांधे रखते हैं आपको? और वो क्या कहते हैं, देशभर मैडम मेरे भाग बदल गया, उसने जो है मार मार किया है। विनोद कुमार, विनोद कुमार आपकी पति ने? हाँ, अब जो है उसका नाम विनोद कुमार है। वो 27/2000 में को शादी, 11 साल अब हो गई, 11 साल। आपकी पति ने आपको इससे बांधा, उन्होंने आपको मार मार के बोला। अब तुम वहाँ से आयो, महिला आयोग से, महिला आयोग के अध्यक्ष। मैं ये चाहती हूँ कि आपका अच्छे से अच्छी जगह में पहले अस्पताल में ट्रीटमेंट कराएं। और आपकी पति के अभी चोट लगी है, चोट लगी है, कहाँ पर चोट लगी है? आपको ये जगह कैसे, बच्चे को ऐसे मिले, जाओ नीचे जाओ, या साइड हो, मैं बाहर हो गई, ऐसे निकल जाएगी। तो ये देख लो आपकी क्या जिम्मेदारी है, पास मिलेगी नहीं, आपकी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है, हम बच्चे को संभालते हैं। हमारे बच्चा पैदा करने के लिए वो है, नहीं खुद ही करवाया बच्चा, खुद ही अस्पताल में बेकार की बात है। अभी तो 4 महीने दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में एक आदमी ने अपनी बीवी को इतनी बुरी तरीके से मारा, पीटा और उसको कई महीनों से बांध के रखा हुआ था चेन से। हमें हमारी महिला पंचायत के द्वारा पता चला कि ऐसा एक केस है, तो हम लोग वहां पे मौके पे पहुंचे। और जब मैं और मेरी टीम वहां पे पहुंची तो हमने देखा कि किस तरीके से लेडी को चेन से बांधा हुआ था। उसकी मेंटल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी थी, कपड़े बिल्कुल फटे हाल थे और यहां तक कि घर में बहुत ज्यादा बदबू थी, क्योंकि उसको टॉयलेट तक नहीं जाने दिया जाता था। जब लड़की के बच्चों से बात करी तो उन्होंने बताया कि उसके पापा, मतलब लड़की के पति, उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारते पीटते हैं, और अगर वो कभी छुड़ा के भाग भी जाती है तो उसको ढूंढ के लेकर आते हैं, मारते पीटते हैं और फिर चेन से बांध देते हैं। लड़की ने हमसे रिक्वेस्ट करी कि तुरंत उसका इलाज कराया जाए। हमने उसको वहां से रेस्क्यू कराया है, हम उसका इलाज भी करवा रहे हैं और FIR भी दर्ज करवा रहे हैं उसके पति और उसके पूरे ससुराल के खिलाफ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये कहीं से भी सही नहीं है कि एक महिला को इस तरीके से चेन में बांध के रखा जाए।